टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको एकदम नए और स्पेशल अंदाज में करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। जी हाँ, आपका पसंदीदा शो नए फ्लेवर और तेवर के साथ करेगा आपको फुल्ली रिचार्ज। आज आप स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में सुपर एक्सक्लूसिवली मिलिए टीवी स्टार शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर से। नामकरण में देखिए कैसे गलती से कर दिया नील ने हनीमून पर जाने से इनकार। उड़ान में क्यों रोए इमली और विवान। ससुराल सिमरका में देखिए कैसे अंजलि ने जब उठाना चाहा संजना पर हाथ तो रोक लिया समीर ने। दिल से दिल तक में क्यों उड़ गई है टैनी की नींद। तीस मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। नील ने कर दी है गलती से मिस्टेक। नील ने कहा नो नो नो। जी हाँ, सीरियल नामकरण में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जब नील ने हनीमून पर जाने के लिए कह दिया नो। नील ने अपनी अवनी के साथ हनीमून पर जाने के लिए मना कर दिया है और नील की ना सुनकर अवनी ने भी जाने से कर दिया है इनकार। लो भाई, ये दोनों प्यार के पंछी तो अपने बीच प्यार को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए तो रोमांस करने के इतने अच्छे चांस को कह दिया ना। हनीमून पर अवनी सोच रही थी कि क्या करे क्या करे, जितने भी नील बोल देते कि नहीं मुझे नहीं जाना हनीमून पर, तो अवनी कहती मुझे भी नहीं जाना हनीमून पर, मैं कोई इसके पीछे भाग रही हूँ या इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं हनीमून पर जाने के लिए। वेल, ये हनीमून का प्लान है नील की मॉम श्वेता और रिया का। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि नील और अवनी को हनीमून पर भेजा जाए, लेकिन अभी तो नील और अवनी ने मना कर दिया है, तो क्या श्वेता और रिया का प्लान फेल हो जाएगा? मेरी मॉम है, पूरी फैमिली चाहती है कि मैं और अवनी हनीमून में जाएं, बट ये जो हनीमून में जाने का प्लान है वो जो मास्टरमाइंड है वो ये लड़की है और मेरी माँ है, तो उनका कुछ प्लान है आई थिंक। क्या? या एक्चुअली हमारा प्लान यही है कि ये लोग हनीमून पे तो जाएं हंसी खुशी, लेकिन वापस आते हुए ये लोग अलग अलग हो, सो वी वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सो दैट्स व्हाई हम इनको हनीमून पे भेज रहे हैं और अपेरेंटली मैं अली का ब्रेन वॉश कर रही हूँ। भाई वाह नील, अब तो आप पलटी मार रहे हैं। लगता है आप ये हनीमून को ना कहने की गलती कर बैठे हैं और लगता है बाद में हाँ कर देंगे। अभी डाइनिंग टेबल पे मना किया है, हो सकता है बाद में मेरे मन में अलग लड्डू फूट रहे हो और मैं हाँ कर दूँ। वैसे अवनी भी हनीमून के लिए ना कहकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वो भी जब नील उसके और रिया के पास से गुजरता है तो नील को सुनने के लिए जोर से बोलती है कि मैं भी सिर्फ श्वेता आंटी का मन था इसलिए जाना चाहती थी, वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना कहीं मन में ये है कि एक बार जाके देखते हैं क्या होता है, बट एक दूसरे के सामने वो बोलेंगे नहीं क्योंकि दोनों ने इनकार कर दिया है, सो आई डोंट नो अब वो दोनों क्या करेंगे। अवनी भी सोच में है, नील भी सोच में है। वेल, अब जो भी हो, लेकिन हम तो यही विश करेंगे कि नील और अवनी हनीमून पर जाएं और अपने बीच प्यार को महसूस करें और एक खुशहाल लवी डवी कपल बनकर वापस लौटें। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम मुंबई। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। इमली रो रही है, इमली की आंखें भर आई हैं और वो अकेले बैठकर आंसू बहा रही है। पिछले कुछ समय में इमली और विवान के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव आए हैं और बस वही सोचकर इमली रो रही है। इमली को यूं रोता देख विवान उसके पास आता है और उसकी गोद में सर रखकर वो भी रोने लगता है। फिर इमली विवान को सामने देख उसे अपना हाले दिल बयां करती है और उससे झगड़ा करती है क्योंकि विवान ने उसका विश्वास ना करके उससे रिश्ता तोड़ दिया था।
जैसे कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी टाइम से प्रेगनेंट है और अभी इसको प्रॉब्लम्स हो रही है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसको कभी किसी मूड में रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी खुश रहती है। तो इस वक्त बहुत चिड़ी हुई है बेसिकली, कि सब बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो और ये ऐसा नहीं चाहती कि सब मेरी साइड क्यों ले रहे हैं, सब बोल रहे हैं माफ़ कर दो, तो इसलिए गुस्सा है। वेल, इमली ने विवान को सजा के रूप में दिया है एक टास्क। इमली विवान को टेडी बेयर देती है और उसे बोलती है कि उसको बच्चा समझकर लोरी सुनाओ और ये रो रहा है उसे चुप करवाओ। भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, इमली और विवान जल्द ही माँ बाप जो बनने वाले हैं। टेडी बेयर देती है लो और फिर मैं बोलता हूँ इससे क्या करना है, बोलती समझो हमारा बच्चा और ये रो रहा है इसको चुप कराओ। तो मैंने बड़े प्यार से उसको भी चुप कराया और उसकी माँ को भी चुप कराया और एक हाथ से मतलब एक चीज़ से दो दो काम हो गए, सुलह सफाई हो गई हमारे बीच और अब हम वापस से प्यार करने वाले दो लोग बन चुके, प्रेमी बन चुके। करेक्ट। भाई वाह विवान, आप तो टेस्ट में पास हो गए और इमली की नाराजगी भी आपने झट से दूर कर दी और फाइनली हो गया इमली विवान का मिलन और दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और अब हंसी खुशी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब होगी इनके रिश्ते और रोमांस की नई शुरुआत। होपफुली ये काफी दिन तक चले क्योंकि जब कोई बहुत खुशी आती है हमारे जीवन में उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जितने दिन हो सके हम वापस प्यार से रह पाए। Well, we hope कि इमली विवान के इस प्यार भरे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। भारद्वाज हाउस में एक बार फिर से शुरू हुआ फुल ऑन ड्रामा। सिमर की बिगड़ैल शहजादी अंजलि ने उठाया संजना के ऊपर हाथ, लेकिन वक्त पर समीर ने खुद रोक लिया अंजलि का हाथ, जिसे देख तिलमिला उठी अंजलि। समीर दे रहा है संजना को सहारा, समीर लेकर आ गया है संजना को हॉस्पिटल से घर और लगता है कि सिमर को समीर और संजना की ये नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तभी तो वो हो गई है आग बबूला और हद तो तब हो जाती है जब समीर संजना को अंजलि के चेयर पर बिठा देता है, जिसे देख अंजलि हो जाती है परेशान और उठा देती है संजना पर हाथ। मगर ये क्या, अपनी संजना को बचाने के लिए समीर पकड़ लेता है अंजलि का हाथ। ये जो लड़की है संजना मेरी बहन, तो वो हॉस्पिटल चली गई थी बिकॉज उसने जहर पी लिया जो भी उसका नाटक है करने के लिए। तो अब समीर को पता नहीं क्यों नाटक कर रही है और समीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो मुझे गुस्सा आ गया कि आई एम लेफ्ट अलोन डूड, मेरे को अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने। और मुझे बहुत गुस्सा आ गया संजना को ऐसे देख के, समीर और मतलब समीर उसकी तरफदारी वगैरह कर रहा है, उसकी साइड ले रहा है और उससे उसकी ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। तो आई गॉट रियली फ्यूरियस, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं संजना पे हाथ उठाने उठी और समीर ने वहाँ पर भी मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बहुत गुस्सा आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला अचानक से समीर को संजना की इतनी चिंता क्यों? अरे भाई वो इसलिए क्योंकि अब समीर को हो रहा है रियलाइज कि संजना ने उसके लिए ही खतरे में डाली अपनी जान, जिसे अब समीर को हो रहा है पछतावा और वो अब रख रहा है संजना का पूरा ख्याल और संजना के लिए इसी अटेंशन को देख अंजलि का होता है पारा गरम। देखते हैं क्या होता है, अंजलि नाम है मेरा, इतनी आसानी से अपना प्लान चौपट नहीं करने दूंगी मैं नहीं चाहूंगी कि वो तो एक हो जाए, नहीं होने दूंगी मैं। फिलहाल तो अंजलि संजना और समीर को नजदीक आता देख नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और तभी समीर को आता है कॉल। समीर ऊपर तो जाता है मगर चुपके से ऊपर जाकर सुनता है संजना और सिमर की बात, जहाँ संजना सिमर को बोल रही होती है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये बात सुनते ही समीर के दिमाग में उठते हैं सवाल कि क्या ये संजना की चाल है या फिर सचमुच वो समीर से प्यार करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या समीर और अंजलि के बीच बढ़ेगी तकरार या फिर समीर को समझ में आ जाएगी संजना की ये चाल।
वीडियो जर्नलिस्ट जबीर के साथ हरी कृष्णा दुबे, जूम मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। पार्थ के भानुशाली फैमिली में आने वाली है खुशियाँ, जिसके लिए करनी है ढेर सारी तैयारियाँ। और इसीलिए आज शोरवुरी सुबह सुबह बड़े ही प्यार से नींद से जगा रही है अपने पार्थ को। उधर पार्थ है सोए बेहद ही गहरी नींद में, मगर फिर भी शोरवुरी करती है उसे उठाने की कोशिश। टैनी और अमन के हल्दी की करनी है ढेर सारी तैयारी, जिसके लिए शोरवुरी को चाहिए पार्थ की हेल्प। जहां सभी खुश हैं, वहीं टैनी की तो नींद ही उड़ गई है। टैनी सोने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं टैनी को ऐसा लग रहा है कि उसके सपनों में पार्थ आएगा, इसलिए वो अपने सामने अमन का फोटो रखती है। टैनी कर रही है पार्थ के ख्यालों को दिल से निकालने की कोशिश। वहीं पार्थ और शोरवुरी पहुंचते हैं टैनी के कमरे में उसे उठाने के लिए, और दोनों देखते हैं कि टैनी ने लगाई है फोटो अपनी आंखों पर। टैनी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है सामने पार्थ को, जिसे वो और भी परेशान हो जाती है। वही अपने इमोशन को छुपाते हुए वो बोलती है कि वो अमन के बारे में अच्छा सपना देखने के लिए उसकी फोटो को लगाई है। शोरवुरी उसे हल्दी के लिए तैयार होने को बोलती है और टैनी जब नहीं मानती है तो पार्थ उसे मनाने की करता है कोशिश। इरिटेटेड हूँ, सुबह सुबह मैं तुम्हारे रूम में आके जोर से गाने गाने लग जाऊँ तो मुझे मार के नहीं भगाओगे, जिस दिन मैं सुबह सुबह उठी हूँ इसीलिए। ये तो थी सीरियल की कहानी। आइए अब आपको बताते हैं कि सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर शोरवुरी और टैनी कर रहे हैं आने वाले नए शो महाकाली का इंटीग्रेशन सीन, जहां शोरवुरी टैनी को समझाती है बिंदी और सिंदूर की अहमियत, कि इसे पहनने से माँ काली करती है हर औरत के सुहाग की रक्षा। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर के साथ हरी कृष्णा दुबे, जूम मुंबई। जबरदस्त में सुपर एक्सक्लूसिवली मिलिए टीवी स्टार शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर से। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। फ्लोर पे तो शोएब और दीपिका ने बहुत ही धमाल मचाया, और अब धमाल मचाने की बारी है जूम के फ्लोर पे, और वो लोग आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू जूम दीपिका एंड शोएब। हेलो, थैंक यू, हाय। सबसे पहले बताइए आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? आज का दिन अभी तक बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हम लोग अभी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा या देख के चौकिएगा मत, हम लोग बहुत अजीब लग रहे हैं क्योंकि हम लोग फुल नींद में हैं, ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कल संडे था और हम सब फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे, तो बहुत मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की, पानी में खेला, वाटर पार्क गए थे। How was the whole experience show? सबसे पहले आपसे कोई लौट के आया, it was like really thriller show, जो देखते थे तो वेट करना पड़ता था कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, और मुझे देखना ही था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था, बहुत खास था, क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैंने टीवी पर वापसी की थी और जैसा शो मैं चाहता था, जैसे कैरेक्टर मैं चाहता था, मुझे वो मिला। बहुत कुछ सीखने मिला, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला, अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, स्टार प्लस में, एक्टर्स जो थे साथ में, शरद है, सुरभि है, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े नाम थे, काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक इंडिविजुअली जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, वो वक्त कैसे बीता, स्टार्ट टू एंड, बिगिनर से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे। हाँ, बट कहते हैं कि जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी होता है, बट हाँ, थोड़ा सा अगर और थोड़ा लंबा चलता ज़्यादा खुशी होती, बट जितनी भी जर्नी रही बहुत अच्छी रही और बहुत प्यार मिला लोगों का, अभिमन्यु को बहुत प्यार मिला, शुक्रिया उसके लिए बहुत बहुत। दीपिका, योर टेक ऑन हिस शो, कोई आई थिंक मेरा अब तक का इनका फेवरेट कैरेक्टर अभिमन्यु रहा है, बिकॉज मुझे उस कैरेक्टर में इनका हर शेड देखने मिला है, आउट एंड आउट रोमांटिक, एग्रेशन, हर चीज़, तो मेरा अब तक का फेवरेट रहा है। और जैसे आप वेट करती थी, मैं भी वेट करती थी इनका टेरिकास वापस आने का। आपको लगता है थोड़ा और चलना चाहिए था कुछ हफ्ते? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा और अगर
इलाबरेट थोड़े समय और तक चलता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ अच्छा शुरुआत होने के लिए ख़त्म हुआ होगा। और जो नच के मंच पे आप लोगों ने धमाल मचाया उसके बारे में क्या कहेंगे? आई मीन हर वीक जो एक दिखता था एनर्जी दिखती थी, पावर दिखता था, चलो सब होता है। आई थिंक उसका 200% क्रेडिट इनको जाता है, बिकॉज उस वक्त जो है इनका शो भी चल रहा था, सो नच के सारे आर्टिस्ट में से ही वॉज दी ओनली वन जो पूरे 12 घंटे शूट ख़त्म करके देन आके ही यूज टू रिहर्स। सो ये मैं हर बार बोलती हूँ बिकॉज आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इनको देखा है, मेरी टीम ने इनको देखा है कि ये 10 बजे जब आते थे हमारे पास, उन दिनों इत्तेफाकन इनके डबल रोल भी चल रहा था, फाइट सीक्वेंस चल रहे थे, रोज़ हार्नेस लग रहा है, रोज़ धूप में फाइट सीक्वेंस कर रहे थे। जब ये आते थे ना ये ऐसे होते थे, ही यूज़ टू टेक जस्ट वन आवर ब्रेक, खाना खाया, नैप तो भूल जाओ, डिस्कस किया अच्छा आज क्या करना है, अच्छा क्या करना है, क्या करना है, एंड देन 3 घंटा, क्योंकि 3-4 o'clock हमें वाइंड अप करना ही पड़ता था, ही हैड नेक्स्ट डे शूट अगेन। सो हैट्स ऑफ टू हिम। उस वक्त दौरान अगर मैंने कुछ इनसे सीखा है तो दैट इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, मतलब मैं इतना नहीं कर पाती ऑनेस्टली। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द जर्नी, येस इट हैज़ बिन वेरी स्पेशल बिकॉज हम लोग साथ में थे एंड हम दोनों को डांसिंग बहुत पसंद है, हम दोनों ने कभी सीखा नहीं है, बट वो एक जरिया था जब साथ में भी थे और सीखने मिल रहा था और मस्ती करने मिल रहा था, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तो बहुत मज़ा आया। एक हफ्ते, मतलब हफ्ते दर हफ्ते जब जजेस के इतने सारे प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स एंड फैंस का इतना प्यार जो हमें मिला, आई थिंक दैट इज़ प्राइसलेस। क्योंकि आज भी नचपुर ये ख़त्म होके करीब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी वो ढूंढ ढूंढ के उसके एडिट्स बना के या उसकी वीडियोस हमको भेजते हैं, सो बहुत स्पेशल फील होता है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक इट विल बी फॉर मी, इट विल बी अ शो जो मेरा सबसे खास रहेगा। ओके, ऐसी बात अच्छा, पर्सनल केयर बहुत मिलता होगा बिकॉज आप डबल ट्रिपल हमेशा ही मिलता है। हाँ नहीं, वो हाँ हाँ वो सही बोला ना, बहुत हमेशा ही मिलता है। और पर्सनल केयर के साथ साथ दीपिका हर चीज़ का ख्याल रखती है, मतलब मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता, किसी भी चीज़, चाहे वो खाने पीने से लेके हो, कपड़े हो, या कहीं भी कुछ अगर मेरे ज़बान से निकलता है कि यार काश ऐसा होता या मुझे चाहिए, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में जब तक वो चीज़ें पॉसिबल हैं वो आ सकती हैं, वो मेरे पास होती हैं, तो ख्याल तो बहुत रखती है। बल्कि हाँ कभी कभी मैं थोड़ा सा चूक जाता हूँ ख्याल रखने में, क्योंकि मैं कभी कभी अपने में इतना मैं गुम हो जाता हूँ ना कभी कभी चीज़ों में, तो शायद मुझसे कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं, तो बट कोई नहीं, तुम करो मैं करूँ बातें की। हमने बहुत सारे क्यूट पिक्चर्स भी देखे थे, स्पेशली रमज़ान के मंथ में जो आपने पोस्ट किए थे। सो हाउ इज गोइंग विद फैमिली, बोथ द फैमिलीज आर लाइक अमेजिंग, बहुत बहुत स्पेशल फील होता है, एंड मुझे तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि आई एम द डॉटर ऑफ द हाउस। वो अभी एक सेरेमनी होनी है, वो नाम की होगी डेफिनेटली, और ठीक है इनके ज़रिए मैं मिली हूँ, बट अब मैं ज़्यादा स्पेशल और मेरे लिए मैं ज़्यादा अम्मी और सबा से क्लोज हूँ इनसे ज़्यादा। सो सिमर में आप दोनों लोग एक साथ आएँ और सिमर ने आप लोगों को मिलाया और आज इतने साल बाद एक साथ हैं, कैसा रहा सिमर का एक्सपीरियंस होल एंड सोल? आई मीन बहुत सारे चीज़ें, एक ऐसा शो है सिमर जो मुझे लगता है कि उसमें जितना एक्सपेरिमेंट हुआ उतना शायद ही किसी शो में हुआ होगा, बिकॉज यू नो अगर एक सुपरनेचुरल पावर पे शो बनता है, फॉर एग्जांपल अगर नागिन बनी तो वी ऑल नो कि उसमें एक नागिन होने वाली है, राइट? बट सिमर एक ऐसा शो होता है जिसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और आप लोग उसका हिस्सा रहे बेसिकली। हाँ, जब जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये बच गए, मैं निकल चुका था वहाँ से। या एंड मैंने हर चीज़ को फर्स्ट टाइम किया है, बट ऑनेस्टली मेरे लिए वो शो बहुत बहुत खास है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके करियर में, एक एक्टर के करियर में हमेशा वो एक शो चाहिए होता है जो आपको एक मुकाम तक पहुँचा, और मेरे लिए ससुराल सिमर का वो शो रहा है विदाउट डाउट। जो भी चीज़ लिख के आई, हम पढ़ते थे तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि यार ये कैसे, अब ये कैसे, एंड जब पहली वी स्टार्टेड विद नागिन की, सारा की एंट्री हुई थी एंड हमने नागिन से शुरुआत की थी, तो हम सब बहुत स्केप्टिकल थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़, मतलब जैती जी हमारे साथ थी, मैं उनसे भी कुछ हद तक सीखी, और काफ़ी हद तक मेरा मानना ये रहा है कि आप अगर कोई भी एज एन एक्टर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो फिर आप उसके क्रिएटिवली अगर खुद कन्विंस होके नहीं करोगे तो आप ऑडियंस को कभी कन्विंस नहीं करोगे। राइट, तो हमेशा से मेरा रूल यही रहा है कि अगर मैं ये कर रही हूँ
तो मुझे कन्विंस करना है कि हाँ मेरे सामने इतना बड़ा नाक खड़ा है और मैं उससे डर रही हूँ. अगर मैं एक्टिंग करूँगी तो वो 100% नहीं जाएगा. एंड आई थिंक इस वजह से हमारे एफर्ट्स एंड क्रिएटिव स्क्रिप्ट एफर्ट्स सब कुछ मिलके आई थिंक वी डिड वंडर्स बिकॉज वी वर एक्चुअली द ट्रेंड सेटर्स. हमने नागिन शुरू किया तो फिर नागिन भी आ गया, सब कुछ हो गया. तो डेफिनेटली राइट. बट एनी रिग्रेट दीपिका सिमर छोड़ने का? नो, डेफिनेटली. आई थिंक मैंने जिस जब मैंने शो छोड़ा था वाला, तो जब स्टार्ट हमने किया था तो हम मैं इंडिविजुअली जब उस टाइम तो मैं अकेला था तो मैं बहुत खुश था. फिर जब इनसे मिले तो हम लोग बहुत डिस्कस किया करते थे और दो साल तक मैंने वो शो किया, 500-550 एपिसोड मैंने उसके किए. लेकिन जब मैंने छोड़ा तो आई थिंक मैं वो मेरा डिसीजन था क्योंकि जो मुझे लाइफ में करना था ना वो शायद मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा. और एक वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हम यहाँ से खुश नहीं हैं, तो हम वहाँ से आगे स्विच करना चाहेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो नहीं पसंद या हमें वहाँ के लोग नहीं पसंद. हमें आगे ग्रोथ करना है. तो वो रीज़न था बेसिकली मुझे वो शो छोड़ने का. बाकी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर. डाउनलोड द जूम ऐप नाउ.